नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में नामांकन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली को लेकर किया एक बड़ा फैसला। अब पंचायत प्रतिनिधियों को किसी की मौत होने के 24 घंटे के अंदर देनी होगी जानकारी। राज्य में अब स्थानीय प्रशासन में ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। चिराग पासवान की योजना का एक कथित ऑडियो क्लिप हुआ वायरल। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। लेजेंड धावक मिल्खा सिंह की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक। भारत के महान धावक और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। शुक्रवार की रात उन्होंने 91 वर्ष की आयु में अपने शरीर को त्याग दिया। बता दें कि वे काफी समय से बीमार चल रहे थे और कोरोना संक्रमित होने के बाद ऑक्सीजन लेवल घटने के कारण पीजीआई अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके निधन से एक तरफ देशभर में शोक की लहर छा गई है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना ईश्वर से करते हुए लिखा कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उनके निधन से खेल जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। बिहार में मॉनसून के कारण सामान्य से 130% अधिक हुई बारिश। बिहार में मानसूनी हवाएं से लगातार बारिश हो रही है और कई जगह मध्यम तो कई जगह हल्की बारिश हो रही है। वहीं राज्य के दक्षिण और पश्चिम भागों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। इसे लेकर मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि इस साल जून महीने में मॉनसून की सक्रियता आगे भी रहने वाली है। जून महीने में हुई इस बार की बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 1 जून से 16 जून तक सामान्य तौर पर वर्षा 63.3 मिलीमीटर दर्ज होती है, लेकिन इस बार अब तक 146.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो कि सामान्य वर्षा से करीब 130% अधिक है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मॉनसून की सक्रियता दिख रही है, जिसके कारण पूरे जून महीने में वर्षा काफी अधिक और अच्छी होने वाली है। पप्पू यादव ने अमिताभ बच्चन को पेट्रोल गिफ्ट करने की कही बात। देशभर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से आम लोग जहां महंगाई की मार झेल रहे हैं, वहीं विपक्षी खेमा भी लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी महंगे हुए पेट्रोल डीजल को लेकर तंज कसा है। दरअसल पेट्रोल की कीमत 100 के पार जाने के बाद से ही फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की साल 2012 की एक ट्वीट काफी वायरल हो रही है, जिस वक्त पेट्रोल 73 रुपए प्रति लीटर के आसपास था। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने लिखा था कि पेट्रोल भरने की जगह 2-4 रुपए का कार पर स्प्रे ही कर दे, इसे जला देना ही अच्छा है। उसी पर पप्पू यादव ने बीते दिन तंज कसते हुए ट्वीट किया कि जेल से आजाद होने के बाद वे अमिताभ बच्चन से मिलने जाएंगे और उन्हें 100 रुपए का पेट्रोल खरीद कर देंगे, क्योंकि उन्हें 2012 से ही अपनी कार को जलाना है। पप्पू यादव ने कहा कि शायद लॉकडाउन के कारण उनके पास पैसे नहीं है या फिर कोरोना के कारण स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। तब 73 रुपए लीटर पेट्रोल था, तभी जलाना चाहते थे, अब तो 102 रुपए हो गया है। चिराग पासवान की योजना का एक कथित ऑडियो क्लिप हुआ वायरल। लोक जनशक्ति पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से लेकर पार्टी के दो गुट में बट जाने तक भी चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं बीते दिन शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप ने फिर से चिराग पासवान को घेरे मिला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप को चिराग पासवान और लोजपा यूथ विंग के नेता संजीव सरदार के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है। हालांकि इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कथित ऑडियो क्लिप में चिराग पासवान संजीव सरदार को उस समय लोजपा कार्यालय और हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दे रहे हैं, जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस बुधवार को पटना पहुंचे थे। वह आदेश देते हुए कह रहे थे कि पारस पटना में पार्टी कार्यालय में प्रवेश ना कर सके। वहीं जवाब में यूथ विंग के नेता कह रहे थे कि वह पारस के आने के विरोध में पटना में दलित छात्रावासों के युवाओं की व्यवस्था करेंगे। अब देखना यह है कि यह ऑडियो कितना सही है। बिहार आईएमए के डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज कराया बयान। बाबा रामदेव ने भले ही एलोपैथ पर अपने दिए गए बयान को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली हो, मगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन्हें माफ करने का मन नहीं बनाया है। इस क्रम में बिहार आईएमए के द्वारा भी एफआईआर को दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बीते दिन आईएमए के 4 डॉक्टरों का बयान दर्ज किया है। इसके साथ ही बाबा रामदेव का एक वीडियो क्लिप और कुछ डिजिटल सबूत भी पुलिस को सौंपे गए हैं। इसके तहत राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना में आईएमए बिहार के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार, भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बसंत सिंह, भूतपूर्व सचिव डॉक्टर ब्रजनंदन कुमार और एक्टिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार का बयान लिया गया है। अपने बयान में डॉक्टरों ने कहा है कि बाबा ने डॉक्टरों का अपमान किया है और वह लोगों के बीच कोरोना के इलाज को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बयान को बकायदा रिकॉर्ड कर लिया है और इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने वाली है।
अब पंचायत प्रतिनिधियों को किसी की मौत होने के 24 घंटे के अंदर देनी होगी जानकारी। राज्य के सभी पंचायतों में प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में हुई किसी की भी मौत होने की सूचना 24 घंटे के अंदर जन्म एवं मृत्यु विभाग को सौंपनी होगी। यह सख्त आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। पटना हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में नाराजगी जताते हुए कहा कि जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़ों के बारे में जानना नागरिक का अधिकार है, इसलिए राज्य सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह सख्ती के साथ इस दिशा में काम करे और पंचायती कानून के तहत सभी मुखिया, उपमुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अपने क्षेत्र में हुई किसी भी मृत्यु की सूचना 24 घंटे के अंदर देने का आदेश जारी किया है। वहीं इसके साथ ही विभाग के डिजिटल पोर्टल पर साल 2018 से ही वार्षिक रिपोर्ट नहीं डाले जाने पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को 2 महीने का समय इसे अपडेट करने के लिए दिया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में नामांकन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। बिहार बोर्ड इंटर में दाखिला के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जिन विद्यार्थियों को इंटर में एडमिशन कराना है वे बोर्ड की वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास छात्र अभी से आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 जून तक है। वहीं CBSE और ICSE के छात्र 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद ही बिहार बोर्ड इंटर में दाखिला लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पूरी होने के बाद ही मेरिट लिस्ट के आधार पर पहले लिस्ट को जारी किया जाएगा। बता दें कि आवेदन करने में ₹350 शुल्क लिए जा रहे हैं। बिहार में बौद्ध सर्किट से होकर जाने वाले नए रास्ते को मिली मंजूरी। सूबे बिहार में भगवान बुद्ध से जुड़ी सभी प्रमुख जगह को जोड़ने के लिए बौद्ध सर्किट तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सर्किट के एक पुराने अलाइनमेंट की जगह नए अलाइनमेंट को मंजूरी दी है। इसके तहत पहले यह मुख्य सड़क मानिकपुर साहिबगंज अरेराज से होकर तैयार की जानी थी, मगर अब नए अलाइनमेंट के अनुसार यह सड़क बाकरपुर, मगेर, तरैया, राजापट्टी, बैकुंठपुर, रामपुर, खजुरिया, अरेराज तक जाएगी। इस संबंध में मंत्रालय का कहना है कि बौद्ध सर्किट के लिए इस नए अलाइनमेंट के बनने के कारण यह सड़क अधिक आबादी वाले क्षेत्र से होकर गुजरेगी, इससे लोगों को फायदा होगा। जबकि पूर्व निर्धारित में वैशाली, देवरिया, साहिबगंज, केसरिया और रामपुर कजूरिया होते हुए पटना से अरेराज तक 4 लेन सड़क का निर्माण होना था, मगर अब यह सड़क बाकरपुर से मकेर होते हुए तरैया, राजापट्टी, बैकुंठपुर और माधोपुर होते हुए रामपुर कजूरिया को क्रॉस करेगी। कोरोना के लक्षण दिखने पर सेविका व सहायिका लोगों को भेजेगी अस्पताल। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में अब एक्टिव मामले कम आ रहे हैं, मगर सरकार अब इसे शून्य करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसे लेकर अब समाज कल्याण विभाग के ICDS निदेशालय ने राज्य के सभी सेविका और सहायिकाओं को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इस निर्देश के मुताबिक घर भ्रमण के दौरान किसी व्यक्ति को अगर कोरोना लक्षण दिखता है तो उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही महिलाओं को भी बच्चे का ख्याल रखने के लिए वे कई तरह की सलाह घर घर जाकर देंगी। वहीं जो बच्चे बहुत ज्यादा कुपोषित हैं उनकी निगरानी आंगनबाड़ी सेविका को करना होगा। बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली को लेकर किया एक बड़ा फैसला। बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली को लेकर फैसलों में तेजी ला रही है। इस बीच अब छठे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत छठे चरण में राज्य के हाई स्कूलों में 30,000 शिक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार जिला परिषद परामर्श समिति को दिया गया है। अब पंचायत चुनाव होने तक इन शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार परामर्श समिति के ही पास रहेगा। आपको बता दें कि 9 जून को सरकार ने पंचायत चुनाव होने तक सभी पंचायती संस्थाओं और ग्राम कचहरियों में यह परामर्श समिति का गठन किया था। इसके तहत अब 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति जिला परिषद के नियंत्रण में परामर्श समिति के अध्यक्ष के द्वारा होंगी। राज्य में अब स्थानीय प्रशासन में ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। बिहार की महिलाओं के लिए नीतीश सरकार मेहरबान है और अब एक नई सौगात महिलाओं के लिए लेकर आई है। अब BDO, CO, SDM और थानेदारों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। नीतीश कुमार के आदेश के बाद सरकार ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है। वहीं विभागों से सूची मांगी जा रही है कि इन पदों पर फिलहाल कितनी महिलाओं की पोस्टिंग की गई है। इसके तहत विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय पार्ट 2 में महिलाओं को सशक्त करने का फैसला लिया गया था। इसी बाबत पिछले मार्च महीने में ही 7 निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान ये तय किया गया था कि स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाए, यानी कि BDO, CO, SDM और थानेदार जैसे पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को 35% प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी के तहत अब इस पर काम किया जा रहा है और महिला कर्मी को राहत दिया जाएगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने राजद के अंदर टूट होने का किया दावा। बिहार की राजनीति सरगर्मियां लोजपा के 2 खेमे में बढ़ जाने के बाद से और
तेज हो गई है। वहीं अब सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने आरजेडी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। मीडिया से बीते दिन हुए बातचीत में उन्होंने दावा किया कि आरजेडी में भी किसी भी वक्त बड़ी टूट हो सकती है। इस बात का एहसास लालू प्रसाद यादव को हो चुका है, इसलिए वह दिल्ली में बैठकर अपनी पार्टी को टूटने से बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राजद के अंदर भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी नाराजगी है। ऐसे में हालात यह है कि लोजपा की तरह राष्ट्रीय जनता दल भी टुकड़ों में बढ़ सकती है। वहीं उन्होंने बिहार में एनडीए की स्थिति को काफी मजबूत बताया। राज्य के 11,000 शिक्षकों को दोबारा अपलोड करने होंगे फोल्डर। राज्य के सभी सरकारी स्कूल में पंचायती एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत साल 2006 से 2015 के दौरान बहाल किए गए नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज की जांच प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। इसके तहत 3,10,000 शिक्षकों के फोल्डर जिला स्तर से विभाग के द्वारा निगरानी को भेजे जाने हैं, जिनमें करीब 88,000 शिक्षकों के फोल्डर अभी भी बाकी हैं, जिसे जमा करने के लिए 21 जून से 20 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। तो वहीं अपने फोल्डर को जमा कर चुके करीब 11,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें दोबारा अपना फोल्डर भेजना पड़ेगा। दरअसल इन 11,000 शिक्षकों में से कुछ तकनीकी कारणों से तो कुछ के अधूरे प्रमाण पत्र के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए इन्हें भी तय किए गए समय के भीतर फिर से अपने सर्टिफिकेट को जमा करने होंगे, वरना इनकी नौकरी चली जाएगी। श्रीलंका दौरे से पहले हार्दिक पांड्या के कूल हेयर स्टाइल की हो रही है चर्चा। टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अपने नए नए लुक्स को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले वह टीम इंडिया के साथ मुंबई में क्वारंटीन है। इस बीच सोशल मीडिया पर पांड्या के हेयर स्टाइल का नया लुक खूब तेजी से वायरल हो रहा है। अपने इस लुक को उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर किया है। इसमें पांड्या ने अपने बाल काफी छोटे करा लिए हैं और सर पर एक स्ट्रिप भी बनवाई है, साथ ही दाढ़ी भी हटा ली है। हार्दिक पांड्या के नए लुक की फोटो को हेयर ड्रेसर आलिम हकीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। बता दें कि आलिम प्रेजेंट में बॉलीवुड के टॉप हेयर ड्रेसर है। आलिम हकीम के स्टाइल क्रिकेटर्स के बीच भी काफी फेमस है। देश भर में 24 घंटे में एक्टिव केस से ज्यादा की संख्या में रिकवर हुए मरीज। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे थमता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जितने भी एक्टिव मामले मिले हैं उससे ज्यादा की संख्या में कोरोना के मरीज रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 60,753 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 97,743 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इस दौरान कुल 1,647 मरीजों ने बीमारी से अपनी जान गंवाई है। इस तरह से देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या अब कुल 7,60,019 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 347 नए केस आए हैं। इस दौरान 594 मरीज बीमारी से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव केस 3,547 हो गए हैं। वहीं रिकवरी रेट 98.18% हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों से आम जीवन में आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।